हे ब्यूटीज, वेलकम बैक इन माय चैनल गेट मेकअप एंड को। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे क्लिंजिंग मिल्क क्या होता है, क्यों होता है, मैं कौन सा क्लिंजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ, क्लिंजिंग मिल्क क्यों लगाते हैं, क्लिंजिंग मिल्क को क्लिंजर भी बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्लिंजर क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है। और तो ये सारी चीज़ें A to Z क्लिंजर के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं शॉर्ट आउट कर दूँगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा, और जो मैं वीडियो बताऊँगी उसको 101% आप लोग फॉलो करिएगा। अगर आप लोग मेकअप लवर हो तो क्लिंजर तो आप लोगों ने ऑब्वियसली यूज़ किया होगा, और नहीं यूज़ किया होगा तो सुना होगा, और सुना होगा तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि क्लिंजर यूज़ करना चाहिए सबको। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि मैं यूज़ करती हूँ आयुर का क्लिंजिंग मिल्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आता है मार्केट में, और अफोर्डेबल प्राइस के साथ साथ इसके जो जितने भी वर्क हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। मैं आयुर का ये यूज़ करती हूँ क्लिंजिंग मिल्क। मार्केट में बहुत सारे क्लिंजर अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं यही यूज़ करती हूँ। बिकॉज ऑफ दैट मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, इसका रिव्यू सबसे पहले आप लोगों को दे दूँ, उसके बाद मैं आगे वीडियो को बताऊँगी। तो चलिए वीडियो में आपको इसका रिव्यू दे दूँ सबसे पहले। देन गाइस, इसकी बात करें प्राइस की, सबसे पहले प्राइस की बात करें तो इस पर मैंशन किया हुआ है 50 रुपीज़। ये आपको 40 से 50 के बीच में मिल सकता है, आप मार्केट में लेंगे या फिर ऑनलाइन लेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों को, आप लोग वहाँ से आराम से इसको खरीद सकते हैं। तो ये जो बॉटल है इसकी क्वांटिटी है, सॉरी गाइस, दिखने रहे भी दिखेगी तो मैं आप लोग बता दूंगी। चलिए मैं बात करती हूँ सबसे पहले इसके नाम की। तो इसका नाम होता है रोजा हर्बल केयर, इसके ऊपर मेंशन किया होता है। तो हर्बल केयर मतलब है इसमें सारे हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज किया गया है, प्रीमियम रेंज फॉर द प्रमोटर ऑफ क्लिंजिंग मिल्क। और इसको जो बनाती है कंपनी वो है आयुर। आयुर का नाम तो आप लोगों ने 100% सुना हुआ होगा। तो ये बहुत अच्छी कंपनी होती है, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके साथ साथ इसमें मिला हुआ है, इसमें इंक्लूड है रोज एंड उसके साथ साथ ककम्बर, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया गया, आप लोग पढ़ सकते हो जब आप लोग यूज़ करोगे इसको। और फॉर सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन, आपको इससे स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन मिलती है। इसके सारे बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। और इसके ऊपर मेंशन किया गया बीच में फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो इसको सब स्किन टाइप वाली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आयुर का क्लिंजिंग मिल्क है, इसको ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, कोई भी इश्यूज नहीं होने वाले हैं। तो मैं बात करूं कि इसको यूज़ क्यों करते हैं। इसको यूज़ इसलिए करते हैं, आपके फेस पे डेली आप जब वर्क करते हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो या फिर कुछ भी वर्क करते हो, तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। वो आपके पोर्स में चली जाती है, आपकी जो स्किन होती है उस पर पोर्स छोटे छोटे से छेद होते हैं उसके अंदर में घुस जाती है, उसकी वजह से आप लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक्ने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आप लोग के स्किन पे पिंपल्स, एक्ने पिंपल्स देखिए होता है, तो एक्ने की प्रॉब्लम के साथ साथ आप लोग कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके चेहरे में मुहांसे निकलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन पे हार्म करती हैं आपकी स्किन को। और आपको इसलिए मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसको डेली अपने फेस पे जब मेकअप को उतार देती हूँ रात में सोने से पहले, इसको अपने फेस पे लेके हैंड से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करती हूँ। इसकी बात करूँ कैसे ओपन होता है, क्या ये स्प्रे नहीं है, ये इस तरीके से इस फॉर्म में आता है, इसको अपने हैंड पे एकदम क्रीमी फॉर्म में इसको हैंड में लेके मैं अपने फेस में मसाज करती हूँ। इससे जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छा होता है। और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि इसको आपको अपने हैंड पे ले लेना है एंड देन कुछ देर तक मसाज करना है, उसके बाद कॉटन बॉल से इसको रिमूव कर देना है। तो गाइज, आप लोग जान गए होंगे कि इसको क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। इसको आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो गाइज, और मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। आप मेकअप करने से पहले इसको यूज़ करते हैं तो बात ये होती है कि आप मेकअप करने से पहले फेस वॉश किए एंड देन क्लिंजिंग मिल्क यूज़ किए, उसके बाद आप टोनर यूज़ करते हो, या फिर कभी कभी टोनर पहले यूज़ करते हो, क्लिंजिंग मिल्क बाद में यूज़ करते हो। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी स्किन जो होती है एकदम नरिश हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, उसके बाद मेकअप बहुत ही अच्छे से लग जाता है, कोई भी डस्ट नहीं रहती है। पहले आप उसका प्राइमर लगा लेते हो तो पूरा फेस एकदम क्लीन होकर
आपकी स्किन पूरा कवर कर लेता है प्राइमर। उसके बाद इसको जब मेकअप उतारने के बाद लगाने से क्या बेनिफिट होता है, तो मेकअप उतारने के बाद अगर आप लोग इसको यूज़ करते हो तो आपके फेस पे जितने भी मेकअप के पार्टिकल होते हैं वो उतर जाते हैं आराम से। मतलब इसलिए क्योंकि मेकअप को रात में ला के सूंघना बहुत ज़्यादा हार्म करता है आपकी स्किन को पूरे टाइम रखना। अगर आप लोग मेकअप रिमूव करते हैं तो इसके बाद आपको कुछ देर तक क्लिनजिंग मिल्क लगा के अच्छे से मसाज कर लेना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके स्किन पे एक्ने की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है और कोई भी डस्ट आपकी स्किन पर नहीं जमेगी। डस्ट नहीं जमेगी तो कोई भी स्किन इशूज आप लोग को नहीं होने वाले हैं। तो इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है गाइज। और ये मेकअप लुक जो मैंने किया हुआ है इस टाइम पे, इसका फुल वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, सॉरी गाइज। तो आप लोग चाय कॉफ़ी लेके साथ में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी बात करें और आप लोग को मैं इसके बारे में क्या बता दूँ, सब चीज़ मैंने बता दिया है। इस पर आप लोग मेंशन किया गया है, पढ़ सकते हैं। क्लिनजिंग एंड रिफ्रेश योर स्किन, आपकी स्किन को क्लीन करती है, आपकी स्किन को रिफ्रेश करती है, आपकी स्किन को नरिश करती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाती है। उसके साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर पेनरेट्स डीप एंड जेंटली रिमूव डर्ट जर्म एंड मेकअप। आपकी स्किन से जर्म हटाती है ये, डस्ट हटाती है, मेकअप को भी हटाती है। मैंने सारी चीज़ें पहले ही आप लोगों को बता दी हैं। तो इसके बाद आप लोग इस पर लिखा, उसके बाद जो थर्ड चीज़ इस पर मैंशन किया हुआ है वो है, इट कूल्स एंड स्मूथ द स्किन। ये आपकी स्किन को एकदम कूल कर देती है, मतलब कि एकदम से एक तरीके से जब सॉफ्ट हो जाएगी ऑब्वियसली आपको कूल फील होगा। उसके बाद स्मूथ करती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आपकी स्किन को एकदम से स्मूथ कर देती है आपकी स्किन को आराम से। उसका जो फोर्थ पॉइंट है इसमें मेंशन किया गया वो है, इट रिमूव्स एक्सेस ऑयल एंड लीव द स्किन क्लीन एंड हेल्दी। ओके गाइज, तो मैं इसको समझा दूँगी, मेरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट रिमूव्स एक्सेस ऑयल, आपके स्किन पे जो ऑयल होता है, कभी कभी आप लोग अगर ऑयली स्किन वाले हो तो आपके स्किन पे बहुत एक्सेस ऑयल निकलता है, उसकी वजह से आप लोग को एक्ने होता है अगर देर तक आपके स्किन पे रहता है। तो जो एक्सेस ऑयल होता है उसको ये रिमूव करता है आराम से आपके स्किन के पीएच लेवल को। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर मेरी ऑयली स्किन है तो ऑयल लेना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ड्राई हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएच लेवल आप लोगों ने सुना होगा, आपके स्किन का जो पीएच लेवल होता है उसको ये बैलेंस में रखता है, कितना ऑयल होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझता है। इसमें ऐसी हर्बल चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, इसी फॉर्म में इसको बनाया गया है कि आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम ना करे, आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है इससे कोई, तो इसलिए आपके एक्सेस ऑयल को ये हटाता है जितना ये वर्क करता है पूरा। उसके बाद स्किन, हाँ, लीव्स स्किन हेल्दी, ये आपके स्किन को हेल्दी करता है गाइस। इसको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज़ हैं, आप लोग किसी भी पार्लर से या फिर बहुत सारे स्टोर्स होते हैं वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं, आप लोग को आराम से मिल जाएगा। और नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑर्डर कर लीजिए, सिर्फ 50 रुपीज़ हैं, आप लोग अपने ऊपर लगाना है, आप लोग यूज़ कर लीजिए। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ इसके, इसके ऊपर मेंशन किए गए हैं इंग्रेडिएंट्स। एक्वा परफ्यूम, इसमें परफ्यूम ऐड है एक, तो वो लोग आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसकी स्मेल सबसे पहले बता दूँ, इसकी स्मेल की बात, हाँ मैंने बताया नहीं फ्रेगरेंस कैसी है। हाँ, तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट, एकदम अच्छी सी स्मेल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। हाँ, और बता दूँ आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है, मैं वो बता दूँ, विटामिन ई इसमें इंक्लूड है। ये बहुत ही अच्छी बात होती है एक क्लिनजर की, मैं आप लोगों की पहचान बता दूँ, कोई भी क्लिनजर आप लोग ले रहे हो तो इसमें विटामिन ई जरूर से ज़रूर रहना चाहिए, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, आपके स्किन पे जो आपका नेचुरल ग्लो होता है वो लाता है वापस से, अगर आपकी चली गई है सन टैन या फिर किसी भी प्रॉब्लम से। तो मैं रात में सोने से पहले कभी कभी हफ्ते में एक दो बार विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करती हूँ गाइस, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यूज़ करो। और आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो विटामिन ई वाला पूरा जितना भी चीज़ है आपको तो मिल जाएगा। उसके बाद इसमें यूज़ है ऑलिव ऑयल, या गाइस ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है आपके स्किन को रिकवर करने के लिए, आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हो, और इसमें एलोवेरा जेल भी इंक्लूड है। तो एलोवेरा जेल इंक्लूड होने की वजह से गाइस आपका जो स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है,
अच्छे तरीके से। तो आप लोग इस पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। अपने आप से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मुझे वीडियो को एंड करना ही पड़ेगा गाइज। और कोई भी इश्यूज़ हैं आप लोग के साथ तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग को अच्छे से बताऊँगी उसके बारे में। बाय द वे मैंने सारी टॉपिक जितनी भी चीज़ें हैं मैंने क्लियर कर दी हैं इस वीडियो में गाइज। तो वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइज, टेक केयर।